dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence Industry and decision making this is module number 2 to 3 and the topic of discussion is the status cost trap when we talk about status cost trap it means ki apne current status ko maintain karne ke liye there are different costs that we have to maintain we have to inculcate and we have to be careful ki hamara jo status cost hai wo hamare status benefit se zyada wo na ho इस मकसद के लिए

और आपको अपनी चॉइसिस बनानी पड़ती हैं, आपको फैसला करना पड़ता है कि so, बाजात ज्यादा लोगों को एक बात पर लेकर आना उनका इतफाक राय क्रिएट करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा कंसेंसिस बिल्ड करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा सो पब्लिक आर हार्ड टू मेक और चेंज बिकॉज बहुत से लोग बहुत से जब जहनों के साथ वहां पर मौजूद होते हैं तो उनकी राय वो एक पर्टिकुलर शक्ल इख्तियार कर लेती है नो no डाउट उस मकसद के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम सोशोलॉजिकल स्टडीज करें हम मजमुई तौर पर जो माशरे की सोच है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें हम सोशल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक ओपिनियन को बदलना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फिनिना अनदर फैक्टर

उट एंड लिसन केयरफुली टू दूस ऑफ योर स्टेक होल्डर्स तवज्जो से सुनिए दूसरे लोग क्या इजारे राय पेश कर रहे हैं और उनकी राय में किस किस बात को वेटेज देना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज एग्जामिन वाई एडमिटिंग टू एन अर्लियर मिस्टेक डिस्ट्रेसिज यू आपको यह देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स है विच आर एफेक्टिंग यू वो कौन से परिव हैं जिससे आपको प्रॉब्लम का सामना वो करना पड़ता है और आपको अपनी पुरानी मिस्टेक्स को वो अंडरस्टैंड करना होगा आपको अपनी मिस्टेक से लर्न करना पड़ेगा बिकॉज उसी लर्निंग से आप अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को बेहतर वो बना सकते हो द थर्ड थिंग इज असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेन नेसेसरी तो समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समटाइम्स आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो अपने लेवल के ऊपर वो खुद भी कर सकें और आपको उनके अकाउंटेबिलिटी और का भी ख्याल वो रखना है ट्रैप इज दैट डोंट अ फेलियर फीयरिंग कल्चर दैट लीड्स इंप्लॉइज टू परपेचुएट देयर मिस्टेक्स सो आप ये बात याद रखें

स्टेटस को ये तमाम चीजें आपके लिए ट्रैप्स क्या क्रिएट कर रहे हैं और हम उन ट्रैप्स से अपने आप को अवॉइड वो कैसे करें डियर स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग के दौरान जजमेंटल शॉर्टकट्स कैन टेक प्लेस हमें उन शॉर्टकट्स को अंडरस्टैंड करना है हमें समझना है कि हम कहां पर बायस्ड हो रहे हैं कहाँ पर हम फेवरेटिजम को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कहाँ पर हमें एक मैरिट की जरूरत है कहां पर हमें दोबारा से अपनी रिवेल्युएशन की जरूरत है क्या हमने कोई भी फैसला वो क्यों किया और उसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी फोर्सेस थी जो करामद थी थैंक यू